नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए प्रश्नों की। आज का हमारा 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 550 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 682 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 550 किलोमीटर। अगर हम बात करें कुल अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई की तो वो 692 किलोमीटर होगा। और जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कुल अरावली पर्वत श्रृंखला का 80% होता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा या अचलगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी वो गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शनों की तो अन्य सभी हैं वो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटियां हैं, जिसमें से शेर है ये अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। देलवाड़ा है वो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है वो 1442 मीटर है। और जरगा है ये चौथी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। और अचलगढ़ है ये पांचवी ऊंची सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। अगर हम बात करें जरगा की तो ये उदयपुर में स्थित है। बाकी तीन चारों सिरोही में है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? ऑप्शन है खंडित, अवशिष्ट, सपाट, वलित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वलित। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली है वो वलित पर्वतमाला है। अगर हम बात करें वर्तमान में अरावली की स्थिति तो वो अवशिष्ट है। अगला प्रश्न है, अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरावली का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भूमध्य सागर को, अरब सागर को, हिंद महासागर को, बंगाल की खाड़ी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर को। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली के मुख्य भाग का विस्तार कुल कितने जिलों में है? आपको बताना है अरावली के मुख्य भाग का विस्तार है वो कितने जिलों में है। ऑप्शन है 12, 13, 15, 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13। अरावली के जो मुख्य भाग का विस्तार है वो कुल 13 जिलों में है। अगर हम बात करें शाखाओं सहित अरावली के विस्तार की तो वो 17 जिलों में होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित अरावली को कितने उपभागों में बांटा जा सकता है? आपको बताना है राजस्थान में जो अरावली है उसको कितने उपभागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 8, 4, 3, 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। राजस्थान में जो अरावली है उसको 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली, तीसरा दक्षिणी अरावली। अगला प्रश्न है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। ऑप्शन है रघुनाथगढ़, खो, लोहारगल, मालकेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रघुनाथगढ़, और ये सीकर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अरावली में तांबा खनिज के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। आपको बताना है उत्तरी अरावली में जो तांबा खनिज के भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है खेतड़ी, बन्नी वालों की ढानी,
खोदरीबा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उत्तरी अरावली में तांबा खनिज के ये सभी भंडार पाए जाते हैं, जिसमें खेतड़ी है वो झुंझुनू में है, बन्नी वालों की डानी है वो रघुनाथगढ़ सिक्कर में है, और खोदरीबा है वो अलवर में है। अगला प्रश्न है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपको बताना है मध्य अरावली की वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है गुरु शिखर, गोरमजी, शेर, देलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरमजी। और इसकी ऊंचाई है वो 933.72 मीटर है, और इसे टोडगढ़ कहते हैं, इसे टोडगढ़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अरावली को कितने उपभागों में बांटा जा सकता है? आपको बताना है जो दक्षिणी अरावली है उसे कितने उपभागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2, जिसमें पहला है आबू पर्वत और दूसरा है मेवाड़ की पहाड़ियाँ। धन्यवाद।